अनुसार सरहद उत्ते बीएसएफ अते पाक तस्करां दे विच चलियां गोलियां। मुठभेड़ दे दौरान दो नशा तस्कर कीते गए काबू, गोलियां लगण दे नाल एक नशा तस्कर होया जख्मी। इना पाक नशा तस्करां दे कोलों 30 किलो दे करीब हेरोइन हुई बरामद। सत श्री अकाल, टीवी एनआरआई देख रहे हो तुसीं ते मैं हां अंजली। अज तड़के सार ही पंजाब पुलिस अते बीएसएफ दी एक सांझी ऑपरेशन दे दौरान दो पाकिस्तानी नशा तस्करां नूं काबू किया गया। दस्सिया जांदा कि तड़के सार पौने 3 बजे दे करीब ये जिहड़ी एनकाउंटर इन्हां दोवां तस्करां दा कीता गया, गोलीबारी हुई है इन्हां दोवां दे दौरान, और इस दौरान जिहड़ा है 30 किलो दे करीब जिहड़ी हैरोइन भी बरामद कीती गई है। दस्सिया जांदा कि गुप्त सूचना दे आधार ते बीएसएफ अते पंजाब पुलिस नूं इह जानकारी मिलती है कि कुछ शक्की व्यक्ति जड़े ने पाकिस्तान दे वल्लों पंजाब दे विच भारत दे विच दाखल होने की कोशिश कर रहे हैं। फिरोजपुर के नेड़े इन्हों काबू करन दे लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है। दस्या जाता है कि सतलुज नदी के नेड़ों इन्हों दे वल्लों कुछ समान जड़ा है, नशीला पदार्थ जड़ा है, वह भी तस्करी किया जा रहा है। इस दौरान जदों बीएसएफ और पंजाब पुलिस दी टीमां जड़ियां ने इन्हों दोवां तस्करां नूं फड़न दे लिए उन्हों दे वल्लों ऑपरेशन चलाया जाता है। इन्हों काफ़ी घंटिया तक चली गोलीबारी तो बाद आखिरकार दोवां नूं काबू कर लिया जाता है। जानकारी मिलती है कि इन्हों दोवें तस्करां दे विचों एक नूं गोली लगन तो बाद जख्मी हो गया सी, जिसनों सिविल हस्पताल दे विच ले जाया गया। तो हुण सारे इलाके दे विच सर्च ऑपरेशन चल रहा है बीएसएफ दे वल्लों ते पंजाब पुलिस दे वल्लों। इस सारे मामले दे विच मिली जानकारी दे मुताबिक घटना जिहड़ी है सवेरे 3:15 बजे दे करीब वापरदी है। सूचना मिलती है कि बीएसएफ ते पंजाब पुलिस दे द्वारा पिंड गट्टी मटर दे कोल सतलुज नदी दे किनारे दे उत्ते एक संयुक्त अभियान जिहड़ा है चलाया जा रहा है, संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अते ये जानकारी मिलती है कि 3:15 बजे दे करीब बीएसएफ ने पाकिस्तान दे वल्लों भारत दे विच दाखल होने की कोशिश करन वाले दो पाक तस्करां नूं जिहड़ा है उन्हां दीआं शक्की गतिविधियां हुंदे उन्हां नूं देखिया गया सी, ते बाद दे विच इन्हां दे खिलाफ ही दस्सिया जांदा है कि ये ऑपरेशन चलाया जांदा है। सैनिकां दे वल्लों शुरुआती जांच दे दौरान इन्हां शक्की तस्करां दे उत्ते गोलियां चलाईयां जांदियां ने, उन्हां दे वल्लों भी गोलियां चलदियां ने। बाद दे विच जदों खतरा जिहड़ा है वह सामने आ जांदा ते दौरान गोलीबारी चलदी है, तां इन्हां बीएसएफ जवानां दे वल्लों जो गोलियां चलाईयां जांदियां ने इन्हां दे विचों एक जिहड़ा तस्कर हुंदा उस दे गोली लग जांदी है, जो कि मौके ते ही जख्मी हो जांदा है। मौके ते ही बीएसएफ ते पंजाब पुलिस जिहड़ी है दोवें तस्करां नूं काबू करदी है। एक जिहड़ा जख्मी तस्कर सीगा उसनूं मौके ते सिविल हस्पताल दे विच ले जाया जांदा है। इसे दौरान ये भी जानकारी सामने आती है कि जो बीएसएफ अते नाल दी नाल पंजाब पुलिस दे द्वारा इन्हां दोवां तस्करां नूं फड़िया गया सी, उन्हां दे कोलों जिहड़ा है एक जिहड़ा उन्हां दे कोलों समान जिहड़ा तस्करी किया जा रहा सी भारत दे विच ओह भी बरामद किया जांदा है। 30 किलो दे करीब हैरोइन बरामद की गई है, जिसनों कि नीले रंग के डब्बे 26 पैकेटों के लुको के सतलुज नदी के द्वारा इधर भारत के जड़ा है उसकी तस्करी की जा रही थी। शुरुआती जांच जी है उस तो इन दोवें तस्करों को काबू कर लिया गया। जो जख्मी तस्कर है उसनों फिलहाल सिविल हस्पताल जांच के लिए लिजांदा गया, बाकी दूजे तस्कर के कोलों भी हूँ जी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार कदों तो यह तस्करी का काम कर रहा है, तो होर कि समान की तस्करी की जा रही है। दस दिए कि बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा जो सूचना दी गई है नीले रंग के ड्रम के 26 पैकेट मिले ने, जिन्हों के विचों के कुल जिन्हों का कुल वजन जड़ा है 29.26 किलोग्राम तकरीबन 30 किलो के करीब बनता है। उन्होंने दोवें तस्करों के कोलों काबू किया गया। फिलहाल इस ऑपरेशन तो बाद इस एनकाउंटर तो बाद हुण पूरे इलाके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाबा खान बंगाली, असी कहिंदे नहीं करके दिखाने, किसी भी तरह का काला जादू करवाओ या तुड़वाओ, सिर्फ 5 घंटिया च वशीकरण करवाओ या तुड़वाओ, केवल 2 घंटिया च अधीन की प्राप्त करो या तोड़ो। कारोबार, नौकरी, प्रेम विवाह, लड़ाई झगड़िया अते दुश्मन सौकण तो छुटकारा, विदेश यात्रा, घरेलू कलेश, पढ़ाई च रुकावट, किसी भी तरह की समस्या का हल सिर्फ 8 घंटिया च। कॉल या वट्सअप करो 98 151 56 151।